की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। हाई डेंट चेन ऑफ क्लिनिक्स, जी हाँ, वो क्लिनिकल चेन, वो ग्रुप ऑफ डेंटल क्लिनिक जो मुल्क के कई बड़े शहरों में है, मुंबई समेत दिल्ली एनसीआर में कई जगह हाईडेंट क्लिनिक के नाम से, डेंटल क्लिनिक, हाईडेंट डेंटल क्लिनिक दरअसल है, उसके नाम से है। पिछले दिनों दिल्ली के शाहीन बाग जसोला में भी हाईडेंट क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। बहुत ही शानदार उद्घाटन रहा और इस उद्घाटन की खूबी ये रही कि इसमें कई हास्य कलाकार को भी आमंत्रित किया गया था। जी हाँ, अब आप पूछेंगे हास्य कलाकार ही क्यों? दरअसल ये क्लिनिक जो है वो दांत का है और दांत दिखाना जरूरी होता है और वो हास्य कलाकार के बस में है कि वो जब अपनी कला का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो लोग ना चाहकर भी अपना दांत बाहर निकाल देते हैं। सो हाईडेंट ने भी हास्य कलाकारों को आमंत्रित कर हाईडेंट चेन ऑफ क्लिनिक्स में एक शाहीन बाग जसोला में इसका उद्घाटन किया। तस्वीर आप देख रहे हैं, विधिवत उद्घाटन हो रहा, फीते काटे जा रहे हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। जी हाँ, हाईडेंट क्लिनिक के सीईओ सैयद आजम वहां पर मौजूद है, जिनके नेतृत्व में ये क्लिनिक जो है वो चलेगा, जिनकी देखरेख में चलेगा। और मेहमान के तौर पर रहमान खान है, जो माने जाने हास्य कलाकार है, कई टीवी चैनलों पर भी आपने इन्हें देखा होगा, बड़े कॉमेडियन हैं, गिने जाते हैं देश में, ये भी गेस्ट के तौर पर वहां मौजूद थे। और अस्मित पटेल, ये बिग बॉस के एक माने जाने चेहरे हैं, इन्हें भी बुलाया गया था और इन दोनों की मौजूदगी में ये भव्य उद्घाटन समारोह हुआ और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हाईडेंट एक ऐसा चेन ऑफ क्लिनिक्स है जहां दांतों के संबंध में जितने भी मामले हैं, जो मैंने दांत से संबंधित बीमारियों का समस्त समाधान आपको अगर कहीं ढूंढना है तो इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, सीधे आप हाईडेंट क्लिनिक पहुंचेंगे। ये मैसेज भी दिया गया। आप ये भी सुने के सीईओ सैयद आजम ने क्या क्या कहा और क्या क्या विशेषताएं उस क्लिनिक में होंगी, क्या क्या फैसिलिटीज होंगे, उन सबों का भी ब्यौरा उन्होंने दिया है, आप स्वयं सुन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा हाईडेंट के बारे में। हाईडेंट डेंटल क्लिनिक चेन है, इसकी हेड ऑफिस मुंबई में है, मुंबई में ब्रांचेज है, दिल्ली एनसीआर में ब्रांचेज है, गुड़गांव में है, नोएडा में है और दिल्ली में है। अभी आने वाले टाइम में 2-3 और ब्रांच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। आपका क्वेश्चन ये था कि हम सुविधा किस तरह से दे पाएंगे। डेंटिस्ट्री में डेंटिस्ट का नंबर्स मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा है, बट स्टिल जो स्किल डेंटिस्ट हैं उनकी अभी भी बहुत कमी है। स्किल के साथ साथ स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट की बहुत कमी है। जैसे कि एक डॉक्टर रूट कैनाल में एक्सपर्ट हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि किसी और डिपार्टमेंट में भी एक्सपर्ट हो, लेकिन 90% इंडिया में ऐसा होता है कि एक डॉक्टर मैक्सिमम काम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पेशेंट जितनी अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट डिजर्व करता है वो उसको नहीं मिल पाता है। एक डॉक्टर अगर क्राउन बहुत अच्छा कर रहा है तो शायद वो रूट कनाल में बहुत परफेक्ट नहीं होगा। अगर वो रूट कनाल बहुत अच्छा कर रहा है तो शायद वो एक्सट्रैक्शन में बहुत अच्छा नहीं होगा। शायद वो एक्सट्रैक्शन बहुत अच्छा कर रहा है तो वो इम्प्लांट में एक्सपर्ट नहीं होगा। एक दो डिपार्टमेंट में इसके हाथ अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर की हर डिपार्टमेंट में हाथ अच्छा होना ये तकरीबन नामुमकिन है। तो हमारी कंपनी जो हाईडेंट है, इसका मेन मोटो यह है कि हम हर एक पेशेंट के हर एक नीड को स्पेशलाइज लेवल पे टैकल करें, जिसकी वजह से पेशेंट जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसको लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिले। डेंटल ट्रीटमेंट में मैक्सिमम बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि लोग ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं लेकिन आफ्टर कुछ वक्त के बाद वो फेल्योर, चाहे वो इम्प्लांट हो, कई बार रूट कैनाल फेल्योर हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक्सपर्ट हैंड के थ्रू वो काम नहीं हो रहा है। हमारा मोटो आज से 10 साल पहले जब हम इस फील्ड में आए थे, जब लॉन्च हुई थी कंपनी, यही था कि हम हर एक छोटे से छोटे ट्रीटमेंट को स्पेशलाइज्ड वे में करेंगे, जिसकी वजह से आज 10 साल में हमारी जर्नी
यहाँ तक पहुंची है और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप पूरे इंटरनेट पे सर्च मारेंगे, यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल बैड रिव्यूज अबाउट द हाइडेंट. दिस इज द क्वालिटी ऑफ द हाइडेंट. तो हमारी बस यही कोशिश है. देखिए इसमें दो चीज है, एक तो रेफरेंस की वजह से हम डिस्काउंट देते ही देते हैं, लेकिन साथ में हमारी कंपनी टाइम टू टाइम जिनको नीडी लोग हैं, जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो उनको टाइम टू टाइम हम लोग ऐसे ग्रुप बनाते हैं वैसे लोगों का और उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी देते हैं. लेकिन वो हम उसको देते हैं जिनको वाकई बहुत जरूरत है, जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है. तो हम साल में दो या तीन बार ऐसे कैंपेन क्रिएट बनाते हैं जिस टाइम में हम ऐसे नीडी लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं. कमिंग बैक टू द रेफरल, ऑफकोर्स अगर किसी आप जैसे लोगों का रेफरल होगा तो डिस्काउंट तो हम देंगे देंगे. डिस्काउंट की बात यहां तक नहीं, यहां है कि आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं. तो हमारी कंपनी का ट्रीटमेंट जो जिस तरीके से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं स्पेशलाइज्ड वे में, सारे इक्विपमेंट ओपीजी मतलब जो जो लेटेस्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री में है वो सारी चीज अवेलेबल है, सारे एमडीएस स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर्स अवेलेबल है. अब उनके थ्रू जब आप ट्रीटमेंट देते हो तो कॉस्ट बहुत हाई चला जाता है. उस लेवल पे अगर आप हाइडेंट को लेते हैं तो हाइडेंट इज द मोस्ट रीजनेबल क्लिनिक इन इंडिया जो कि एमडीएस लेवल पे या एक्सपर्ट लेवल पे ट्रीटमेंट कर रही है लेकिन बेस्ट प्राइस पे कर रही है. बट वी आर नॉट गिविंग एनी चीप प्राइस ट्रीटमेंट. जहां पे आप चीप प्राइस ट्रीटमेंट ढूंढेंगे वहां पे आप 100% क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. मतलब एक हैबिट सा नहीं है यूजुअली. अब इतनी अवेयरनेस है, एक रूटीन होना चाहिए कि विद इन सिक्स मंथ एक डेंटल विजिट और विद इन वन ईयर एक डेंटल विजिट होना चाहिए फॉर अ चेकअप कि एटलीस्ट आपको पता हो कि आपके माउथ में कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है और अगर अराइज हो रही है तो उसको राइट टाइम पे भी अटेंड किया जाए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रूटीन हाइजीन हैबिट एंड वट एवर इज रिकमेंडेड बाय द डेंटिस्ट प्लीज डू नॉट निग्लेक्ट इट, उसको कंटिन्यू करें और कम्प्लीट करें. हाँ जी, ब्रश करना ये बहुत कॉमन है. लाइक इट्स लाइक 90% पीपल ब्रश इन अ वेरी रॉन्ग मैनर. टाइम नहीं देना, 30 seconds में ब्रश यूजली सबका खत्म हो जाता है. बट देयर इज अ टेक्निक, प्रॉपर तरीका है ब्रशिंग का जिसको फॉलो करना चाहिए. अगर आप यूट्यूब पे देखें या किसी भी डेंटिस्ट को कंसल्ट करें तो आपको बताएंगे ब्रशिंग रूटीन कैसा होना चाहिए, ब्रशिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए. और ब्रशिंग के अलावा देयर आर हाइजीन प्रैक्टिसेस जो रूटीन में करनी चाहिए जैसे रिंस वगैरह. फिर मैं वापस अपने इस पे आऊंगा कि वाकई हिंदुस्तान में डेंटल क्लिनिक्स बहुत है, डेंटिस्ट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन जो फिर से मैं बोलता हूँ स्पेशलाइज्ड जो ट्रीटमेंट हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूंगा डेंटल इम्प्लांट्स का. डेंटल इम्प्लांट्स में फेल्योर रेट हाई है, 20% 30% जो लोग न्यू कमर्स है या फिर जिनके हाथ एक्सपर्ट नहीं है, जो उसमें स्पेशलाइज नहीं है, अगर वो इम्प्लांट कर रहे हैं तो फेल्योर रेट बहुत हाई है. एक आम इंसान के लिए वो इम्प्लांट है, वो डॉक्टर है, उनको ये नहीं मालूम है कि इम्प्लांट का स्पेशलाइजेशन क्या हो सकता है, इम्प्लांट कितनी कंपनीज हो सकती है, सिस्टम जो अंदर डाल रहे हैं वो कौन कौन सी कंपनीज पे हो सकते हैं. इन सारी चीजों जो अवेयरनेस नहीं है वो हम क्रिएट कर रहे हैं. हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सही डॉक्टर के पास सही ट्रीटमेंट के लिए कैसे पहुंचेंगे और हाइडेंट उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है. और इसी वजह से हाइडेंट का जो सक्सेस रेट है वो काफी हाई है. हाइडेंट जगह जगह अपनी नई क्लिनिक इसीलिए शुरू कर रहा है कि ये चीज अभी भी बहुत बड़ा गैप है. ऐसा नहीं है, डेंटल क्लिनिक्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन क्वालिटी ट्रीटमेंट देने वाली क्लिनिक्स या डॉक्टर्स पर्टिकुलर लाइन में, मैं जनरल डेंटिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट आता है, इम्प्लांट है, स्माइल मेकओवर है, इन सारे ट्रीटमेंट्स में अभी भी स्किल की कमी है और जो लोग कर रहे हैं वो मार्क आगे नहीं है. तो हम लोग इसको लेकर के बाहर आ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आप इस तरह से आगे. उसके बाद फिर हमारा एक बेसिक कंसल्टेशन चार्जेस होता है. प्राइस हमारा रीजनेबल है, फिर से अगर आप एक्सपर्ट डॉक्टर से कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा सबसे रीजनेबल प्राइस है.